शनिश्चर चढ़ा आज। कौन सा आम चाहिए? ये चाहिए, ये लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नहा धो के तैयार हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, और हमारे चाचू महाराज आए थे हमसे मिलने के लिए। और गाइस, आज मौसम की अगर बात करूँ ना, तो गंदा वाला मौसम हो रहा है। तो चलो चलो नीचे, लो मेरी पानी की बोतल पकड़ो, ये लो, चलो लेके चलो इसको। चलिए, रूम ऑल सेट, ऑल सेट, चलते हैं। खुल जा शिम शिम, वेरी गुड। बारिश तो रुकने का नाम ही ले रही है आज। हनी, गुड मॉर्निंग। ठीक, खाने के टाइम पे आया हूँ मैं। चलिए देखिए नाश्ते में क्या है। सो नाश्ते में है आज भिंडी की सब्जी और साथ में है पराठे, और ये हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। चलिए गाइस, सो नाश्ता वास्ता हो गया कंप्लीट। फिलहाल मैं अभी ऊपर आया हूँ। अभी भैया मेरे को मार्केट जाना है किसी काम से, और उनकी दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है, तो फिलहाल मैं ऊपर आया हूँ रेडी होने के लिए। तो तैयार वैर होते हैं फिर चलते हैं। चलिए गाइस, सो मैं तैयार हो गया हूँ, फिर चलते हैं नीचे भैया के साथ में। और गाइस, आज भैया के साथ में गाड़ी चलानी है, और भैया के साथ गाड़ी चलाने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है। चलिए, किसका वेट कर रही है? मेरा, मुझे पता है बेटा, तुमको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, तुमको मेरे से लगाव नहीं है, तुमको ना खाने से मतलब है, तुम खाने है बट नो मिला बच्चा। चलो नीचे चलो, छाता ले लेते हैं, चलते हैं। एक्चुअली हमको दो तीन जगह जाना है। पहले तो यहाँ से हमको जाना है कैंटीन, CSD कैंटीन में, उसके बाद जाना है भैया के दवाई लेने के लिए, फिर भैया को कुछ कुरियर वगैरह कराना है, उनका ऑफिस का कुछ काम है वो करना है, तो ऐसे दो तीन काम है वो निपटा करके आते हैं फिर। और गाइस, बारिश तो कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है। चलिए भैया मेरा वेट कर रहे हैं, चलते हैं अब फाइनली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साहब साहब आइए, साहब साहब, इसको भी लेके जाना है क्या? नहीं, एक तो रखिए। हाँ, एक हो जाएगा, एक से पकड़ो फिर बैग। चलिए जी, चलिए पहुंच गए हम लोग आर्मी कैंट में। फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ फोटोकॉपी कराने के लिए। बंदा बोल रहा है लाइट नहीं है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ा फाटक पार करके। मे भी शायद यहाँ मिल जाए कोई दुकान फोटोकॉपी की, आज शनिवार भी है ना, तो दिक्कत यही है। ये मेरे साथ में क्यों होता है, शनिवार के दिन मुझे फोटोकॉपी कराने को भेजते हैं। पिछली बार भी ऐसी बात है, तो भैया का उस दिन पैर फ्रैक्चर हुआ था। सामने दिख रही है दुकान, मे भी शायद यहाँ हो जाए। दुकान तो मिल गई लेकिन लाइट नहीं है, शनिश्चर चढ़ा आज, सोचो तिकोनी आना पड़ रहा मुझे फोटोकॉपी कराने के लिए। यहाँ भी दुकानें बंद है, शनिवार शनिवार शनिवार। फाइनली दुकान मिल गई सामने, यहाँ हो जाए भगवान। फोटो कॉपी जी, अब दुकान मिली तो लाइट नहीं है, क्या हो रहा है आज ये? और गाइस, आज तो बारिश ना हाथ धो के पीछे पड़ी है, हाथ धो के नहीं मतलब पूरी हल्द्वानी को धो के पीछे पड़ी है आज तो। मैं तिकोने तक होकर के आ गया, लाइट ही नहीं कहीं पर भी, फोटो कॉपी की दुकान तो है। अरे, आर्मी के नियम भी ना बदलते रहते हैं। अभी बोल रहे फोन में बात कराओ, किससे कराऊं मैं? चलिए गाइस, एंट्री मिल गई है आर्मी कैंट के अंदर। फिर पहले जाते हैं आर्मी कैंटीन में, और दो तीन काम निपटा के आते हैं अपने जो भी बचे हुए हैं। चलिए जी, पहुंच गए फाइनली कैंट के अंदर। चलिए तो हो गया यहाँ से काम ख़त्म, अब चलते हैं। बारिश भी रुक गई, थैंक गॉड। फिलहाल गाइस, मुझे जाना है सामने वन प्लस के सर्विस सेंटर में। ये भैया के हेडफोन ख़राब हो गए, इनके बारे में थोड़ा बात करके आते हैं। चलिए चलिए, एक्चुअली में ये सर्विस सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर है इनका वहाँ पे हीरानगर में, वहीं जा रहे भी हम लोग। वो कह रहे सर्विस सेंटर लेके जाओ। कहाँ है सर्विस सेंटर? वो वहाँ है बल, क्या कहते हैं उसको, जेल रोड चौराहे पे, सावित्री कॉम्प्लेक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश हुई छाता। चलिए सामने है वन प्लस का सर्विस सेंटर, यहाँ जाके बात करके आते हैं। ये रहा सामने,
चलिए जी, हो गया यहाँ से काम पूरा। कमाल की बात है यार, इतना सा स्क्रैच आया है, बंदा बोला रिप्लेस नहीं हो गया। बताओ, 150 रुपए के हेडफोन नहीं यार, वो 2100 रुपए के हेडफोन है। चलिए जाकर के भैया को बताता हूँ। अरे यार, छाता तो वहीं भूल गया। चलो चलिए जी। अब देखो जरा इसमें, जरा सा इसमें, ये देखो, इसकी वजह से बोल रहा हूँ नहीं होगा रिप्लेसबल। क्या ये अबे इतने से के लिए, सोचो, बोले ये रिपेयर नहीं होते, नए मिलते हैं। तो इसमें क्या हुआ ऐसा है? वही तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसमें इतने बोला है, फिजिकल डैमेज में आता है बोलिए। स्क्रैच लगा है वही तो मैंने उसको, यही तो मैंने बोला, टूटा थोड़ी क्या, स्क्रैच लगा हुआ। बोलता नहीं ये फिजिकल डैमेज में आता, ये नहीं होता। बोला मैंने कहा बताओ, 2100 रुपए की हेडफोन की कोई इज्जत नहीं। चलिए जी, करते हैं इसको रिवर्स। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए घर, सही सही ठीक ठीक तरीके से। थोड़ा सा गाड़ी चलाने में गड़बड़ करी मैंने आज, तो भैया ने डांट लगाई। वो तो हमेशा होता ही मेरे साथ में, भैया के साथ में होता, मतलब जब भैया होता है मेरे साथ में तभी होता है मेरे साथ में, वैसे नहीं होता। चलिए चलते हैं अंदर। भैया का बैग है यहाँ पे। चलिए जी चलते हैं घर। हनी हम आ गए। आ गए, बड़ी देर लगाई करी मुझसे, ठीक हो गए क्या? हल्का सा नाखून के बराबर एक है। इसमें जरा सा ना, ये यहाँ पर पता नहीं दिख भी नहीं रखा है, जो बड़ा गौर से दिख रहा था वो। क्या है? जरा सा उसमें ये लगा हुआ है ना उस तरफ। हाँ, ये हल्की सी खरोंच आई, बोल रहा नहीं होगा। बोल ये लो बचे हुए पैसे। चाचू हेलो, हम आ गए, चलो खाना खाओ। भाई आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या बात भाई, फिर से बारिश शुरू हो गई। चलिए ऊपर चलते, चेंज वेंज करके आते हैं। मम्मी जी ने बनाई है टमाटर की झोली, फिर टमाटर की झोली खाएंगे। चेंज वेंज कर लिया, अब चलते नीचे खाना खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज। चाचू ये लो, पापा को दे दो। हे क्या छींक मारी है। चलिए तो आ गई हमारी टमाटर की झोली, अब शुरू करते हैं। चाचू आम खाओगे? आम कहाँ है? या हमें ना लो चम्मच, दो चम्मच, थैंक यू। खाओगे आम खाओगे? नहीं खाएगा? चलो अंदर चलो, आओ नहीं अंदर आ, बाहर बारिश हो रही गंदी वाली। अभी आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया वाले फ्रेंच फ्राई, इसके लिए हमारा साथ दे रहे हैं हमारी मम्मी जी, जो आलू छिल रही हैं, और ये ग्रंथ है जो कटे हुए आलू को कहाँ डाल रहा है, पानी में डाल रहा है। पानी में डालो उसको, छोड़ दो, शाबाश। सो आलू कट चुके हैं हमारे, मैंने और मम्मी जी ने मिलकर आलू काटे हैं अभी। सो गाइस बढ़िया करके मैंने आलू को जो है इसमें उबाल दिया है नमकीन पानी में, अब इसको निकालते हैं इससे। उबालने के बाद फिर मैंने इनको टिश्यू पेपर डाल दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ रख दिया हमने गर्मा गर्म अपना तेल, मतलब गर्मा गर्म तेल नहीं रखा है, तेल गर्म करने के लिए रखा है, और ये शायद हो ही गया। और ये हमारे आलू जो हमने उबाल लिए बढ़िया तरीके से, अब इनको एक बार पका के देखते हैं। लेट्स सी। सो लीजिए गाइस, तैयार है हमारे कुरकुरे बेहतरीन मस्त से फ्रेंच फ्राई। वाओ, चलिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राई, और यहाँ बन रही हमारी कॉफी। चलते हैं मम्मी जी को टेस्ट कराते, पूछते हैं कैसे बन रहे। लो देखो जरा खा करके, क्या कहते वहाँ का नाम जहाँ खा के आए थे, मैकडोनल्ड्स। अच्छा हो रहे। चलिए गाइस, सो मैं जा रहा हूँ थोड़ा छत की तरफ, बारिश रुकी है अभी जरा सी, देखने के लिए कि पहाड़ों में क्या हालत हो रही है। ओहो गाइस मजा आ गया पहाड़ों को देख के। तो ये देखिए, वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ यहाँ से, गजब। सो भी मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी बढ़िया सी, और मैं छत में आ गया हूँ। फिलहाल तो अभी लो लाइट हो गई है क्योंकि बादल लगे हुए हैं, इसीलिए।
फिलहाल तो भगवान जी ने ब्रेक लिया हुआ है, अभी बारिश का, उन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर बरसेंगे, क्योंकि बादल बहुत घने छाए हुए हैं। आराम से चलना पड़ेगा भाई, सीढ़ियाँ भीगी हुई है बहुत गंदी वाली। चलो चलो चलो। फिलहाल मैं और चाचू आए हुए हैं गाड़ी के अंदर। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो सीसीटीवी है वहां से गाड़ी पूरी कवर नहीं हो पा रही थी, और बीच में अमरूद का पेड़ भी आ रहा है, तो मम्मी जी ने बोला थोड़ा सा इसको वहां को लगा दे, तो वही करने के लिए आया था मैं। चलिए गाइस, हो गया वो काम, चलते हैं अब। ओहो, आओ चाचू आ जाओ। एक्चुअली ये हमारा सीसीटीवी सामने लगा हुआ है ना, तो इससे क्या है कि जो एक क्या हमारी गाड़ी है ये पूरी आनी चाहिए अच्छे से, तो अभी आने दी थी, अब तो आएगी। देखो मैं कैमरे में हाथ हिला रहा हूँ, हेलो, दिखाई दे रहा हूँ कैमरे में आपको, दिख रहा हूँ ना कैमरे में, देखा टेक्नोलॉजी। चले गए फिर खाना वाना खाके गए, फिर मैं ऊपर को आ गया था, फिर मैंने कहा थोड़ा सा बैठते हैं अभी आराम से, तो बैठा था अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा था, तो एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। और गई सच में बताओ तो आज शनिवार था, और शनिवार का दिन सच में लग रहा था मेरे को आज, क्योंकि इतना घुमाया आज शनिश्चर महाराज ने, मेरे को लगता है कि अब शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन ना यहाँ पर एक मंदिर है हमारा बड़ा फेमस कालूसाई मंदिर है, तो वहाँ जाकर ना गुड़ की जो भेली होती है वो चढ़ानी पड़ती है एक दिन जाकर के, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि शनिवार का दिन काफ़ी घूमना पड़ रहा हम लोगों को। चलिए कोई नहीं, ऐसा तो खैर चलते रहता ही है। एक बात कही जाती है कि टफ टाइम डोंट लास्ट, कि मतलब कोई भी जो मुश्किल समय होता है ना वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता, वो तो हमेशा से बोला जाता है। तो वही चीज़ है कि ये जो शनिवार होते हैं और ये जो चीज़ें होती है सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ कि शनिवार लग गया गुड़ की भेली चढ़ानी पड़ेगी, वो भी चढ़ा के आ जाएंगे, वो तो हमारी अपनी श्रद्धा है। चलिए गाइस कोई बात नहीं, ये तो खैर चलते रहता है। तो गाइस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिर एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करूँगा आज का जो व्लॉग है गाइस आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नए और बेहतर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए जी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है।